अभी हम जीत के जा रहे हैं यहाँ से। एक साल जो हमने गर्मी सर्दी और बारिश के यहाँ गुजारे हैं मच्छरों में और बड़ी परेशानी के साथ, तो जीत के जा रहे हैं, खुशी है। तो अब आप फिर क्या आगे रणनीति बनाना चाहोगे, मतलब आप खुश हैं जो सरकार ने बोला है उससे? उससे तो खुश हैं, जो मांगे पेंडिंग रहेगी जो सरकार ने वादे किए हैं अभी वो भी पूरी करेंगे, तो आशा करते हैं अभी वो भी हमारी जल्दी पूरी करें ताकि हमें आंदोलन दोबारा ना करना पड़े। ये सस्पेंड ही है अभी तो आंदोलन। वैसे अभी आपने जैसे आपने यहाँ टेंट वेंट लगाए हुए थे अपने, आज आप कब जाएंगे? आपने लपेटना चालू कर दिया है, कब तक निकलेंगे? आज हम पैकिंग कर लेंगे, कल सुबह 9 बजे का टाइम है, सब 9 बजे स्टार्ट कर देंगे जाना घर को। कितने लोग निकल जाएंगे? ऑलमोस्ट सब ही निकल जाएंगे, कोई रह जाएंगे थोड़े बहुत, कोई लंगर जो बाबा जी के लंगर हैं वो, क्योंकि उन्होंने लंगर सामान नहीं, सामान पैकिंग नहीं हुआ उसका, वो चला जाएगा। तो कल कोई जश्न वगैरह बनाने की तैयारी है कि आप विजयी हो गए? नहीं, जश्न इतना नहीं मनाएंगे क्योंकि वो हमारे सैनिक, वो यानी हमारे CSD जो विपिन रावत जी हैं वो शहीद हो गए, तो हमारे सैनिक भी साथ में शहीद हुए हैं, इतना तो नहीं मनाएंगे, बस चलो थोड़ा बहुत। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।